नमस्कार साथियों वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है और आज मैं आपके लिए जी के जी एस के बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेके आई हूँ और डेली आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस चैनल पर मिलती रहेगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दें और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि ये जो ऐसी वीडियो हैं आपको डेली चैनल पर मिलेंगी और ये वीडियो आपके लिए आपका जो एग्जाम बी का एग्जाम है या फिर ऑल एग्जाम जी और जी यानी ये प्रश्न आपके लिए एक बेहतर बेहतर प्रश्न साबित होंगे और ये प्रश्न आपके बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं तो चैनल पर बने रहें चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें तो सबसे पहला प्रश्न है आपका क्षुद्ध ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं तो ये क्षुद्ध ग्रह क्या होते हैं ये आकाशीय पिंड होते हैं और ये छोटे छोटे यानी ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं और जैसे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं वैसे ही ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं और ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं अगला प्रश्न है सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं तो इसे अरोरा कहते हैं और ये कहां कहते हैं इसको? इसे उत्तरी ध्रुव पर कहा जाता है अगला प्रश्न है सूर्य की आयु लगभग कितने वर्ष है तो सूर्य की आयु लगभग आपकी अः पांच बिलियन वर्ष मानी जाती है अगला प्रश्न है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर साढ़े तेईस डिग्री झुकी हुई है और ये प्रश्न आपका कहीं बार पूछा भी जाता है अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं तो राइट आंसर है आपका सूर्य या सूर्य मुकुट अगला प्रश्न देखते हैं मंदाकिनी क्या है तो ये मंदाकिनी एक तारों का समूह होता है अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है तो सूर्य के निकट सबसे जो निकट ग्रह है वो बुध है और ये सबसे छोटा ग्रह भी होता है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो ये भी आपका बुध है अगला प्रश्न है पृथ्वी के निकट ग्रह कौन सा है तो सूर्य के निकट ग्रह आपका बुध है यानी सूर्य के निकट पूछा जाए तो आपका बुद्ध ग्रह हो जाता है और पृथ्वी के निकट आपका शुक्र ग्रह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो यह भी आपका शुक्र ग्रह है अगला प्रश्न है सांझ का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है तो आपका सांझ का तारा या भोर का तारा आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है राइट आंसर आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह अगला प्रश्न है पृथ्वी की भगनी किस ग्रह को कहा जाता है तो पृथ्वी की भगनी भी आपके शुक्र ग्रह को कहा जाता है अगला प्रश्न है लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है तो लाल ग्रह के नाम से आपका जाना जाता है मंगल ग्रह नाम से नाम से मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं और ये इस पे इसका लाल रंग किसके कारण होता है ये आप कमेंट करके अवश्य बताएं अगला प्रश्न है फोबोस और डीबोस किस ग्रह के उपग्रह हैं तो फोबोस और डीबोस ये दो उपग्रह हैं मंगल ग्रह के हैं और ये आपकी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं यानी यहाँ से प्रश्न आपका बहुत बनता है बहुत सी परीक्षाओं में ये प्रश्न आपका पूछा जाता है अगला प्रश्न है नीला ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर है यानी आपको सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत बताना है तो ये निम्स कोलंबिया है और ये मंगल ग्रह पर पाया जाता है अगला प्रश्न है सबसे तीव्र गति से घूर्णन किस ग्रह का है तो सबसे तीव्र गति से घूर्णन आपका बृहस्पति का है बृहस्पति ग्रह सबसे तेज गति से घूर्णन करता है और इसीलिए इसका जो दिन है वो सबसे छोटा दिन होता है अगला प्रश्न है पीला ग्रह से कौन सा ग्रह जाना जाता है तो पीले ग्रह के था था नाम से भी आपका बृहस्पति ही जाना जाता है सबसे तेज गति से घूर्णन बृहस्पति पीला ग्रह बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह ये भी आपका बृहस्पति ही है महान लाल धब्बे वाला ग्रह ग्रेट रेड स्पॉट वाला ग्रह यानी इसे महान लाल धब्बे वाला ग्रह या ग्रेट रेड स्पॉट वाला ग्रह किसे कहते हैं तो ये भी आपका बृहस्पति ही है लेटा हुआ ग्रह कौन सा है तो लेटा हुआ ग्रह आपका है अरुण तो लेटे हुए ग्रह के नाम से आ, कौन सा ग्रह आपका जाना जाता है तो यह है आपका अरुण अगला प्रश्न है मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाए जाने वाले आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं तो यह है आपका क्षुद ग्रह पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं तो पृथ्वी का मात्र एक ही उपग्रह है और वो है आपका चंद्रमा अगला प्रश्न देखते हैं पृथ्वी के कितने भाग पर जल है तो पृथ्वी के इकहत्तर प्रतिशत भाग पर जल है और जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी नीली दिखाई देती है पृथ्वी का नीला रंग किस कारण है तो राइट आंसर है इसका जल यानी जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला रंग कहते हैं यानी नीला ग्रह कहते हैं जल का रंग कैसा होता है तो जल का रंग है आपका उदासीन यानी जल का कोई रंग नहीं होता है सूर्य के सबसे दूर ग्रह है तो सूर्य के सबसे दूर ग्रह है आपका वरुण वरुण सूर्य के सबसे दूर है और सूर्य के सबसे पास ग्रह है आपका बुध सबसे ठंडा ग्रह तो सबसे ठंडे ग्रह के हैं आपका वरुड़ वरुड़ आपका सबसे ठंडा ग्रह है तो आज हमने सिर्फ इतने ही प्रश्नों को लिया है ये सीरीज आपकी डेली चलती रहेगी साथ ही साथ आपको सी की क्लासें भी मिल रही हैं और बी के लिए आपको हिंदी के प्रैक्टिस भी कल से मिलना शुरू हो जाएंगे बी के लिए आपको सामान्य अध्ययन के साथ साथ हिंदी की भी प्रैक्टिस डेली मिलेगी तो दोनों की प्रैक्टिस कराई जाएगी साथ ही साथ आपको सी की क्लासें भी चैनल पर मिल रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें वीडियो को शेयर भी कर दें लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें मिलते हैं कल फिर से अगली वीडियो में और सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए धन्यवाद